हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी 21 अगस्त 2020 की वर्कशीट नंबर 21। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, यानी लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। कि अगर एक ही रेखा के समांतर दो अन्य रेखाएं हैं तो उनमें क्या संबंध होगा। तो अब यहाँ पर हमें चित्र में देखिए, आकृति एक जो है, यहाँ पर तीन रेखाएं दी हुई हैं और उनका परस्पर क्या संबंध है कि ये जो रेखा P है ये समांतर है रेखा Q के, यानी P और Q समांतर है। और एक रेखा R और दिख रही है आपको यहाँ पर, ये रेखा R जो है ये भी P के समांतर है, यानी P समांतर है Q के और P समांतर है R के। तो अब हमें ये संबंध देखना है कि Q और R में क्या संबंध है। तो अब हम यहाँ से ध्यान से देखें, सिर्फ हम रेखा P और रेखा Q को लें तो कोण एक और कोण दो, ये किस प्रकार के कोण हो गए, एक ही पोजीशन पर हैं, एक ही स्थिति में हैं, तो ये हो गए हमारे संगत कोण। कैसे कोण हो गए, संगत कोण, यानी कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि संगत कोण तो हमारे बराबर होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना। तो ये हो गए हमारे संगत कोण। अब हम P को छोड़ देते हैं और सिर्फ Q और R को देखते हैं। चलिए Q को छोड़ते हैं, P और R को देखते हैं। तो अब बीच का ये दो कोण दो जो है हमने इसे छोड़ दिया। अब कोण एक और कोण तीन, ये भी हमारी जो तिर्यक रेखा T है इसके एक ही और के एक ही स्थिति में कोण है, यानी कोण एक जो है वो भी कोण तीन के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो भी संगत कोण है। अब कोण एक बराबर है कोण दो के और कोण एक बराबर है कोण तीन के, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि कोण दो और कोण तीन भी बराबर हैं। और अगर कोण दो और कोण तीन ये दोनों बराबर हैं तो ये रेखाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई। क्योंकि भैया अगर समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम अगर इसका उल्टा सोचें कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। शाबाश, यानी Q समांतर हो जाएगा R के, समझे। तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण तीन, इसलिए कोण दो बराबर कोण तीन। और क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और बराबर हैं तो हमारा क्या हो गया, Q समांतर हो गया R के, यानी संगत कोण अभिग्रहित का विलोम, जो मैं आपको कह रही थी ना कि इसका उल्टा भी, तो विलोम यानी उसका उल्टा। जो हमने कहा कि समांतर रेखाएं हैं तो कोण संगत कोण बराबर होंगे, तो विलोम क्या हुआ कि संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। अब हम देखते हैं कि इस गुण का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमें एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है, आकृति दो में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के और हमें कोण क्यू एक्स एम दिया हुआ है 135 डिग्री और कोण एम वाई आर दिया है 40 डिग्री, तो हमें कोण एक्स एम वाई ज्ञात करना है। तो अब हमें ये कोण जो है 135 डिग्री दिया है, ये दिया है 40 डिग्री, और हमें निकालना कौन सा कोण है, एक्स एम वाई, ये कोण हमें निकालना, यानी ये पूरा का पूरा कोण ये हमें ढूंढना है कि इसका क्या होगा। और दिया क्या हुआ है हमें कि ये रेखा जो पी क्यू है और रेखा आर एस जो है ये समांतर हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा ना कि अगर एक रेखा और हो जो इन रेखाओं के समांतर होते, सारी रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, तो हम यहाँ पर एक रेखा अपनी तरफ से रचना कर देंगे कि वो इसके समांतर है। हमने ये रेखा इसके समांतर खींच दी। अब हमारा ये जो पूरा कोण था, ये कोण कितने भाग में विभाजित हो गया, दो भागों में, एक मान लेते हैं हम कोण एक और एक मान लेते हैं कोण दो। अब ये जो रेखा हमने खींची है ना, इसका भी नाम कुछ रख देते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं ए बी, हमने इसका नाम रख दिया ए बी। अब ध्यान से देखो, अगर हम, क्योंकि हमने ए बी को समांतर खींचा है पी क्यू के, ठीक है, तो ये रेखा ए बी समांतर है पी क्यू के और एम एक्स जो है वो हो गई इसकी तिर्यक रेखा। अब जब ये तिर्यक रेखा हो गई तो इसका मतलब
कि कोण 135 जो है और कोण 1, इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के, ये जो हमारी तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के आंतरिक या अंतः कोण है, और इन दोनों कोणों का योग जो होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कोण 1 जमा 135 डिग्री जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, और रीज़न क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। अब यहाँ से हम कोण 1 निकाल सकते हैं। कोण 1 हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कोण 1 मिल गया हमें कितना? 45 डिग्री। अब बारी आई कोण 2 की, यानी ये वाला हिस्सा जो है कोण का वो हमें ढूंढना है। फिर देखते हैं हमने ए बी को समांतर खींचा है ना, तो ए बी और आर एस ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि ए बी पी क्यू के समांतर है और पी क्यू आर एस के समांतर है, तो ए बी भी आर एस के समांतर हो गई। तो अब ये कोण 2 और ये 40 डिग्री, ये कैसे कोण हो गए? याद करो ज़रा, अगर ऐसा है एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है तो कैसे कोण हो गए? अभिमुख भी हैं, अंतः भी है, और एक के अंतर पे भी हैं। कौन से कोण है ये? एकांतर अंतः अभिमुख कोण, और वो कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर 40 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्या? क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब हमें कोण 1 भी पता चल गया और कोण 2 भी पता चल गया, और हमें पता है कि हमारा जो कोण एक्स एम वाई है वो कोण 1 और कोण 2 को मिलाकर बना है। कोण 1 का मान हमने क्या निकाला? 45 डिग्री, और कोण 2 का मान निकाला 40 डिग्री, तो कुल कितना हो गया भाई? 85 डिग्री। तो हमारा जो कोण एक्स एम वाई है वो आ गया 85 डिग्री के बराबर। मिल गया ना कोण हमें? तो इस ढंग से हम जो समांतर रेखाओं का गुण है उसे यूज़ करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब आगे जो हमारे पास प्रश्न है प्रयास के लिए, उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है? आकृति 4 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, और वाई इज़ टू जेड, यानी वाई अनुपात जेड जो है वो 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी वाई ये वाला कोण और जेड ये वाला कोण, इनका अनुपात हमें 3:7 दिया हुआ है। जब अनुपात दिया होता है तो हम उसे बदल देते हैं, तो कोण वाई को हम मान लेते हैं कि वो 3a के इक्वल है, और Z को मान लेते हैं कि वो 7A के इक्वल है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब हमें निकालना है मान X का। तो सबसे पहली चीज़ कि AB जो है वो समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तो लिख लेते हैं हम AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। और अभी जो हमने ऊपर अभिग्रहित सीखा वो क्या है हमारा, कि अगर ये दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो हमारा क्या होगा? ए बी समांतर हो जाएगा ई एफ के। तो ए बी भी हमारा समांतर हो गया ई एफ के। अब ध्यान से देखो, अब हम सी डी को भूल जाएं बीच में, सिर्फ ए बी को देखें। तो ए बी हमारा ये ए बी और ये ई एफ, अभी हम सी डी को भूल गए, और ये रही हमारी तिर्यक रेखा। यहाँ है हमारा x और यहाँ है हमारा z, ये x ये z। अब बताओ ये किस प्रकार के कोण बन गए? अंतः हैं, अभिमुख हैं और एक अंतर पर हैं, तो कैसे कोण हो गए? एकांतर अभिमुख कोण। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो z के बराबर है, क्योंकि एकांतर अभिमुख कोण तो बराबर होते हैं, और हमने z को क्या माना हुआ है? 7a के बराबर, यानी x भी हो गया हमारा 7a के बराबर। अब ध्यान से देखें कि ये जो x और ये जो y है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण हैं, है ना? तो इनका योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि x प्लस y जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। x हमारा 7a है और y हमारा 3a है बराबर 180 डिग्री, यानी 10a बराबर 180 डिग्री, तो a कितना आ गया? 18 डिग्री। और हमें मान किसका ज्ञात करना है?
x का, और x हमने लिया हुआ है 3a के बराबर, सॉरी 7a के बराबर। x किसके बराबर है? 7a के बराबर। तो 7 गुणा 18 यानी कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। हो गया हल? देखा कितना आसान है। एक बार हमने सिर्फ ए बी और ई एफ को पैरेलल जो समांतर है उन्हें देख के देखा कि एक्स और जेड तो बराबर हैं क्योंकि वो एकांतर अंतःभिमुख कोण हैं, और फिर हमने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग का प्रयोग करके ए का मान ज्ञात किया और फिर हमें एक्स का मिल गया। देख रहे हैं ना, आसान है ना भाग। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले उसे पढ़ते हैं। आकृति दी हुई हमें 5, यदि इसमें पी क्यू समांतर है एस डी के और पी क्यू आर 110 है, आर एस डी हमारा 130 है, तो क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस यानी ये कोण हमें निकालना है। तो अब देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। तो अब ये आकृति जो दी हुई है, इस आकृति में जैसे हमने ऊपर उदाहरण किया था, हम ये रेखा जो है इसे बढ़ा देते हैं, जो समांतर रेखा है हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। उसी प्रकार हम इसको भी बढ़ा देते हैं, ये भी हमने बढ़ा दी, ये बन गई ऐसे। अब हम ध्यान से देखें तो ये 130 डिग्री का कोण है, ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? देखिए एक ही स्थिति में है, रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के सीधे हाथ पर, तो कैसे कोण हो गए? एक ही संगति के कोण है तो संगत कोण हो गए, तो ये भी हो गया 130 डिग्री। अब ये 130 है तो अंदर वाला कोण यानी जिसको नाम दे देते हैं कोण एक, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? रैखिक युग्म है यानी कोण एक जमा 130 डिग्री जो है वो हो गया 180 डिग्री। तो कोण एक हो जाएगा 180 घटा 130 डिग्री यानी 50 डिग्री, तो हमें कोण एक मिल गया। उसी प्रकार से बेटा ये जो कोण है इसे हम कोण दो का नाम दे देते हैं। कोण दो और 110 मिलके डी शेप बना रहे हैं, और डी शेप का मतलब क्या है हमारे, क्या होते हैं ये? रैखिक युग्म। क्या होते हैं? रैखिक युग्म। तो उसी प्रकार से कोण दो जमा 110 डिग्री जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर हुआ, क्योंकि ये भी रैखिक एक ही रेखा पर कोणों का युग्म है, तो ये रैखिक युग्म हो गया। तो कोण दो हो गया 180 घटा 110 यानी 70 डिग्री। अब हमें कोण एक कोण दो पता है, हमें निकालना है कोण QRS। अब हम सिर्फ इस त्रिभुज को देखें, ये जो त्रिभुज है QR और इसको नाम दे देते हैं हम L का, L नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज QRL में कोण एक जमा कोण दो जमा कोण QRS, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोण है त्रिभुज के ये 180 डिग्री। कोण एक का मान हमें पता चल गया 50 है, कोण दो का मान 70 है, और QRS तो अभी हमें ढूंढना है तो उसे ऐसे ही रहने देंगे, ये आ गया 180 डिग्री। तो कोण QRS कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है? 120 डिग्री, यानी कोण QRS आ गया हमारे पास 60 डिग्री। देख रहे हैं जो हमने पिछले कक्षा में प्रॉपर्टी सीखी थी, गुण सीखे थे, उन्हीं गुणों का प्रयोग करके हमने इन प्रश्न को हल किया है। तो इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का आप अपने NCERT जो बुक है उसमें से अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।